बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, दिस इज योर लेक्चर नंबर 9 एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द बेसिक हाईलाइट दैट इज लिपिड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर में लिपिड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आपको पता हो कि जो वर्ड लिपिड है वो किस से डिराइव हुआ है, कौन सी टर्म से और उसका क्या मीनिंग है। तो हम कहते हैं कि इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज लिपोज। लिपोज से डिराइव हुआ है जिसका मतलब क्या है, फैट, विच मीन्स फैट। तो बायोलॉजिकल लिपिड्स क्या है, दीज आर केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो जो कि क्या होते हैं, विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। जैसे कि आप कॉमन एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि ऑयल है वो अगर आप वाटर के अंदर डालें तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो पोलर है और लिपिड्स जो होते हैं नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इसी वजह से जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता तो ये किस में सॉल्युबल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दीज लिपिड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में आपके पास आ जाता है एथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या आप कह लें कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो ये नॉन पोलर जो है नॉन पोलर में डिजोल्व होता है, जो पोलर चीज होती है वो पोलर में डिजोल्व होती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब यहाँ पर एक वर्ड है हाइड्रोफोबिक, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोफोबिक का मतलब है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो वर्ड यूज किया जाता है वाटर के लिए, तो फोबिक का मतलब होता है हेटर। फोबिक किससे कहते हैं, फोबिक दैट इज हेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रो का मैंने मतलब आपको बताया है कि वाटर, तो फोबिक मीन्स वाटर हीटर। तो इस तरह से आपको पता चला कि लिपिड्स क्या हैं, दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वाटर में जो है ये दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर हीटर है, इसी वजह से ये इनकी नेचर है, तो इस वजह से हम इनको कहते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर ड्यू टू द प्री डोमिनेट डोमिनेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। और ये किस वजह से हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या होती है, दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर, या आप उसे कहते हैं नॉन पोलर इन नेचर। तो ये नॉन पोलर चेन होने की वजह से इनके जो CH2CH3 पूरी जो चेन चलती रहती है स्ट्रक्चर में इसके, तो वो क्या होती है, दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर, या आप कह लें कि नॉन पोलर इन नेचर। तो इसी वजह से वो उसके अंदर जो है ये सॉल्युबल वाटर में नहीं होती या डिजोल्व नहीं होती वाटर में, तो हम इनको कहते हैं कि ये जो लिपिड्स हैं ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि लिपिड्स में भी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे कि मैंने भी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, यानी कि कार्बन बेस्ड हैं। दीज आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, दे आर सॉल्युबल इन और ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इसके अलावा ये इनसॉल्युबल हैं वाटर में, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और इनके अंदर ऐसे सॉल्वेंट्स में। तो दूसरी बात ये कि पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। अब ये बने किससे होते हैं, फैटी एसिड्स से। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जो है एक घर बनाने के लिए जैसे आपको ईंटें चाहिए होती हैं, तो वो इसी तरह जो है ये फैटी एसिड्स छोटी छोटी आप कह लें कि ईंटें हैं जो कि मिल के घर बनेगा, यानी कि जब घर बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बनेगा लिपिड। तो इस तरह से जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो फैटी एसिड्स हैं और जब बड़ी जो यूनिट होगी वो लिपिड्स होगी। इसी तरह जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स का बताया था, तो कार्बोहाइड्रेट्स में आप जो मोनोमर्स हैं, यानी कि मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, जब वो कंबाइन होती है एक मोनोसैकेराइड दूसरे से, तो आप उसे कहते थे डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स कंबाइन होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी मोनोसैकेराइड, जब बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होंगी तो आप उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो इसी तरह यहाँ पर भी आप कहते हैं कि जब फैटी एसिड्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, लिपिड्स। एंड दीज आर यूटिलाइज बाय लिविंग सेल्स। उनको कौन यूज करता है, कौन यूटिलाइज करता है, लिविंग सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनको यूटिलाइज करते हैं। तो लिपिड्स के बारे में आपको जो है डेफिनेशन समझ आ गई है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स इट्स क्लासिफिकेशन। तो लिपिड्स को क्लासिफाई करें तो हम इसके तीन क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, तीन इसकी मेजर क्लासेस हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सिंपल लिपिड्स, सेकेंड जो है वो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज डिराइव्ड लिपिड्स। तो स्टूडेंट्स,
आपको पता होना चाहिए कि सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स और डिराइव लिपिड्स क्या होते हैं। इसको हम जो है अभी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, लेकिन इनको फर्दर जो है इनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो सिंपल लिपिड्स हैं इसमें आपके पास फैट्स एंड ऑयल्स आ जाते हैं, इसके अलावा वैक्सीज आती हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में आपके पास आ जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोल लिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। और इसके अलावा जो आपके पास डिराइव लिपिड्स हैं इसके अंदर आ जाते हैं आपके पास स्टीरॉइड्स एंड टर्फीन्स। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ताकि आपको जो है ये समझ आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स अगर हम देखें तो ये क्लासिफिकेशन है जो कि बेस कर रही है ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन को देखें तो मैंने अभी आपको बताया कि दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव लिपिड्स। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं इनको हम कहते हैं होमोलिपिड्स भी कहते हैं, क्योंकि होमो का मतलब होता है सेम। तो सेम फैटी एसिड्स यूनिट से ये मिलकर बनते हैं, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि दीज आर होमोलिपिड्स और सिंपल लिपिड्स। तो हम कहते हैं दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ वेरियस अल्कोहल। एस्टर्स यानी कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर होता है, जिसको हम कहते हैं सी डबल बॉन्ड को ओ और आर, और इस कार्बन के साथ कोई भी चेन पीछे अटैच हुई होती है। यहाँ पर इस चेन को मैं आर भी कर सकती हूँ, यहाँ पर ये सेम भी हो सकती है और ये आर प्राइम भी मैं इसे कह सकती हूँ, मीन्स डिफरेंट भी हो सकती है। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, एस्टर्स हैं फैटी एसिड्स के विथ वेरियस अल्कोहल्स। अल्कोहल यानी कि इसके अंदर ओ एच फंक्शनैलिटी जो है फंक्शनैलिटी आर ओ एच हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्कोहल को इस जनरल फॉर्मूला से, तो इसके साथ जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जब कंपाउंड लिपिड्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं दीज आर हेट्रो लिपिड्स। हेट्रो क्यों कहते हैं, क्योंकि हेट्रो का मतलब वर्ड मैंने आपको बताया है किसके लिए यूज किया जाता था, डिफरेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ डिफरेंट। तो हेट्रो लिपिड्स हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रो लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स हम इन्हें कहते हैं, बिकॉज दीज आर द, और अब इसको डिफाइन भी करें हम तो हम कहते हैं दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। तो ये तो ऊपर वाली बात होगी यानी कि सिंपल लिपिड्स वाली, कि ये भी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स है विद अल्कोहल, तो ये भी जो है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं विद अल्कोहल एंड दैट पोजेसेस एडिशनल ग्रुप्स ऑल्सो। अब एडिशनल ग्रुप्स मतलब आपके पास जो है कंपाउंड लिपिड्स में एडिशनल ग्रुप्स जो है वो आ जाते हैं, जैसे फॉस्फोरस आ जाए। इस तरह जो है अगर आपके पास फॉस्फोरस आ जाते तो आप उसको कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड है वो। इसी तरह जो है आपके पास ग्लूकोज यूनिट अगर अटैच हो जाती है इसके साथ लिपिड के साथ, तो हम इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड है। तो इस तरह से आपने जो है कंपाउंड लिपिड को स्टडी कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब हम जाते हैं थर्ड टाइप की तरफ, थर्ड क्लासिफिकेशन जो है जिसको हम कहते हैं डिराइव लिपिड्स। तो डिराइव लिपिड्स हमने क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर डिराइव फ्रॉम दीज अबव टू क्लासेस, यानी कि जो सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स से हम डिराइव करें या डिराइव कहते हैं अखज किया गया। तो जब हम उससे निकाल रहे होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि वो क्या है, डिराइव लिपिड्स हैं। तो दीज आर द सब्सटेंसेस दैट आर डिराइव फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स बाय हाइड्रोलिसिस। तो हम उस प्रोसेस को उसको क्या कहते हैं, ऐसे लिपिड्स को हम क्या कहते हैं, डिराइव लिपिड्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया, अब हम इनको एक्सप्लेन भी करते हैं कि सिंपल लिपिड्स हैं, इनको फर्दर जो है हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे से लिपिड्स की समझ आ जाए। तो सिंपल लिपिड्स सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, सिंपल लिपिड्स क्या हैं। दीज इंक्लूड फैट्स ऑयल्स एंड वैक्सेस। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन भी किया कि सिंपल लिपिड्स में आपके पास फैट्स एंड ऑयल्स आ जाती हैं, ये कैटेगरीज है, इसके अलावा वैक्सेस आती हैं। तो दीज सिंपल लिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड लाइक सब्सटेंसेस जिनको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स, यानी कि फैटी एसिड से बने हुए हैं। तो फैटी एसिड्स क्या हैं, अब इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दीज फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिड्स में तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, यानी कि इनके अंदर जो फंक्शनैलिटी है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, लॉन्ग चेन है जो इसकी प्रेजेंट है, जनरली ग्रेटर देन अबाउट 12 कार्बन। और वो चेन जो है वो लॉन्ग चेन जो है उसमें ऑलमोस्ट 12 कार्बन की चेन भी होती है, और इससे ग्रेटर देन 12 कार्बन चेन जो है वो इसके अंदर पाई जाती है, दैट हैव नो सॉलिबिलिटी इन वाटर। और ये बात याद रखनी है आपने कि जब भी बात आए फैटी एसिड्स की या फिर लिपिड्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वाटर में सॉलिबल नहीं होते ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक नेचर। वाटर हेटर नेचर होती है, तो वाटर को रिपेल ही करते हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते या वाटर में सॉलिबल नहीं होते।
तो नेक्स्ट है द हाइड्रोफिलिक. अब इसमें जो पार्ट है द हाइड्रोफिलिक सी ओ एच ग्रुप इज रेफर्ड एज पोलर हेड. अब इसमें जो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पोलर हेड भी होता है उसके अंदर और नॉन पोलर टेल. जो हेड होता है, जो सर बना हुआ होता है इसका, वो पार्ट उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक. जैसे मैं यहाँ पर बना देती हूँ हाइड्रो हाइड्रोफिलिक. अब यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है हाइड्रोफिलिक. अब मैं आपको ये पहले बता दूं कि हाइड्रोफिलिक यहाँ पर वर्ड क्या चीज किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि हाइड्रो वर्ड यूज किया जाता है वाटर के लिए, फिलिक का मतलब होता है लवर, यानी कि वाटर लवर जो होगा, यानी कि जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक. तो हमें ये पता चल गया कि हाइड्रोफिलिक क्या है, वाटर वाटर लवर. मैं इसको सही से मेंशन कर देती हूँ ताकि जो है क्लियर हो जाए. वाटर लवर, ये फिलिक को कहते हैं, पी एच आई एल आई सी, ठीक है, हाइड्रोफिलिक. नेक्स्ट जो है, जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है इसका, उसको हम वो पार्ट जो है उसको हम कहते हैं पोलर हेड. तो ये हेड जो है इसका वो क्या है, पोलर हेड है, जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, यानी कि वाटर लवर है. और इसके बाद जो नीचे इसकी टेल्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये टेल्स बना दी, तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है. हाइड्रोफोबिक मीन्स ये क्या हो गया था, मैंने आपको बताया ये हेड है और ये क्या है, टेल्स हैं. तो टेल जो है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, जो कि मैंने आपको बताया हाइड्रोफोबिक क्या होता है, वाटर हेटर. तो ये जो टेल्स होती हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, जबकि हेड जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है. तो हम कहते हैं कि हाइड्रोफिलिक सी ओ एच ग्रुप जो है दैट इज रेफर्ड एज पोलर हेड, एंड हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो होता है नीचे, ये हाइड्रोफोबिक जो है हाइड्रोकार्बन पोर्शन है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, तो दैट इज रेफर टू एज नॉन पोलर टेल. तो अब इसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर टेल. और ये पोलर हेड था, हेड क्या होता है, पोलर, इसी वजह से वाटर में डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि वाटर की नेचर भी क्या है, पोलर है. और नॉन पोलर टेल है, नॉन पोलर टेल है, तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस में ही डिजोल्व होती है, इसीलिए वाटर में डिजोल्व नहीं होती, तो नॉन पोलर टेल. तो हमने सिंपल लिपिड्स को जो है अच्छे से डिस्कस कर लिया. अब हम मूव करते हैं कंपाउंड लिपिड्स की तरफ. तो कंपाउंड लिपिड्स क्या है, दीज आर दे आर फैटी एसिड एस्टरिफाइड विद अल्कोहल, बट इन एडिशन दे कंटेन अदर ग्रुप. अब मैंने ये बात पहले भी आपको बताई कि ये भी क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड हैं विद अल्कोहल, बट इन एडिशन टू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल दे ऑल्सो कंटेन सम अदर ग्रुप्स. अब वो ग्रुप्स एक्स्ट्रा ग्रुप्स में, जैसे कि मैं दो क्लासेस दे रही हूँ, एक को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स दैट कंटेन्स फॉस्फोरिक एसिड, जिसके अंदर यूनिट होगी तो हम उसको कहेंगे फॉस्फोलिपिड्स, एंड नॉन फॉस्फोराइलेटेड लिपिड्स, यानी कि जिसके अंदर फॉस्फोरस यूनिट नहीं होगी. इसी तरह कंपाउंड लिपिड्स में आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स भी आ जाते हैं. ग्लाइकोलिपिड्स में, यानी कि जब ग्लूकोज लिपिड्स के साथ कंबाइन करेगा तो हम उनको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स, तो वो भी हमारे पास जो है ग्लाइकोलिपिड्स. तो ये हमारे पास जो है आ जाते हैं कंपाउंड लिपिड्स की कैटेगरी में, क्योंकि ग्लाइको वर्ड यूज किया जाता है ग्लूकोज के लिए. तो जब ग्लूकोज को आप लिपिड्स के साथ कंबाइन करते हैं तो हम उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, तो ये भी कंपाउंड लिपिड्स आ जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड टाइप, जो कि लास्ट टाइप है इसकी, डिराइव्ड लिपिड्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं. तो डिराइव्ड लिपिड्स क्या है, डिराइव्ड लिपिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स. जो कि मैंने भी आपको बताया कि डिराइव्ड कहते हैं अखज किया गया, जिससे निकाला गया. तो यानी कि जो आप सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स से जब आप लिपिड्स लेते हैं, उससे डिराइव करते हैं, तो ऐसे लिपिड्स को हम कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स. अब इनमें आपके पास आ जाती हैं कौन कौन से लिपिड्स आते हैं डिराइव्ड लिपिड्स में, तो फैटी एसिड्स आ जाते हैं आपके पास, अल्कोहल्स आते हैं, मोनोग्लिसराइड्स आ जाती हैं, इसके अलावा डाइग्लिसराइड्स. मोनोग्लिसराइड्स कहते हैं वन ग्लिसराइड यूनिट जिसमें वो, डाइग्लिसराइड्स जिसमें दो ग्लिसराइड यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन हो. इसके अलावा आपके पास स्टीरॉइड्स आ जाते हैं, कैरोटेनॉइड्स आ जाती हैं. तो ये हमने डिस्कस कर लिया डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में. तो अब जो है हम फंक्शन की तरफ, तो स्टूडेंट्स हमने डिराइव्ड लिपिड्स को मूव जो है अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया. अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स लिपिड्स फंक्शन. फंक्शंस क्या है लिपिड्स का, हम इसको डिस्कस करते हैं. तो हम फर्स्ट कहते हैं कि दीज आर द प्रिकर्सर्स ऑफ हार्मोन. हार्मोन के प्रिकर्सर्स हैं, प्रिकर्सर्स कहते हैं इनिशिएटर, यानी कि हार्मोन्स को
इनिशिएट करने के लिए यानी कि उनके फंक्शनिंग के लिए इनिशिएटर, उनको फंक्शन करने के लिए प्रॉपर, तो आप कहते हैं कि ये एक्ट करते हैं एज अ प्रिकर्सर। इसके अलावा जो है इट हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस, जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो है लिपिड्स अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इट आल्सो प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स स्टोर ऑफ एनर्जी, आपकी बॉडी में जो लिपिड्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं बॉडी में, और जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं, और फॉर अ फ्यूचर डिमांड जो है हम कह सकते हैं कि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है, और लिपिड्स जो है उस एनर्जी को स्टोर करते हैं। इसके अलावा इट प्रोवाइड मेटाबॉलिक फ्यूल, मेटाबॉलिक कहते हैं मेटाबॉलिज्म वर्ड, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसमें आपकी डाइजेशन आ जाती है। इस तरह नंबर ऑफ प्रोसेसेस, नंबर ऑफ रिएक्शंस जो आपके बॉडी के अंदर होते हैं, तो ये क्या करता है कि मेटाबॉलिक फ्यूल जो है आपकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं लिपिड्स, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी आए और आप जो है वो कोई भी काम आराम से कर सकें। इसके अलावा जो है लिपिड्स का क्या फंक्शन है कि दिस इज द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स जो हैं वो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो उसके जो कंपोजिशन है वो भी हम कहते हैं कि लिपिड से, यानी कि वो लिपिड से बनती है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी जो है वो लिपोप्रोटीनिक इन नेचर होती है, लिपोप्रोटीनिक इन नेचर। तो लिपोप्रोटीनिक मीन लिपिड्स एंड प्रोटीन दोनों के कंबाइन होने से बनती है, तो आप कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी हुई है, लिपोप्रोटीनिक इन नेचर यानी कि लिपिड से भी बनी हुई है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रही हूँ कि जो कंपोजिशन है लिपिड्स की, सॉरी सेल मेम्ब्रेन की, आपकी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो कंपोजिशन वो क्या है, लिपोप्रोटीनिक इन नेचर है, मीन्स लिपिड से बनी हुई है। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि हमने देख लिए कि लिपिड्स जो है उनका क्या रोल है बॉडी में और क्या बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स होप सो कि आपको समझ आ गया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।